हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना इन इजी वे। ओके, तो सबसे पहले ये बनाते हैं ऊपर का पार्ट, पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, ऊपर पहले हम यहाँ डॉट ले लेंगे। ठीक, एक डॉट हम ये लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक डॉट हम यहाँ लेंगे और जैसे एक इसके सामने एक डॉट लेंगे। ये हमने तीन डॉट ले लिया, अब तीनों डॉट को मिला देंगे। इस तरह से मिला देना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसे मिला दिया। ठीक, फिर इसको मिलाने का फिर और डॉट लेना है नीचे। अब इसको जो है हम इस शेप में भेज देंगे। ठीक है, ठीक जाए, एक डॉट हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ, तो इसको हम इस शेप में भेज देते हैं। ठीक है, इस शेप में हमारा आ गया। ठीक, अब वही हमें इधर से करना है। ठीक है, इधर से हम इसको इस जगह लेके आएंगे। ये तो छोटा ही रहेगा, ये ऐसे हमने ये ला दिया। ठीक है, इतना शून्य। फिर सेम हमें डबल एक यहाँ से लेना है, एक पॉइंट ये हमारा लेना है, एक पॉइंट इसके नीचे और एक ये पॉइंट, इसको भी मिला देना है। ये मिलाने के पे इसी लाइन से हमें दोबारा एक नीचे ले जाना है, ये इस शेप का। ठीक है, इससे हमारा हो जाना है। फिर इधर से लेके जाना है, इससे हमें आप लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको फिर थोड़ा हम नीचे लेके जाएंगे, इसके इक्वल कर देंगे और इसको थोड़ा सा बैंड करके। ये हमारा ऊपर का पार्ट जो कि इतना तैयार हो गया है। अब जो इसमें जो बीच का पार्ट है, मैं बीच में आप किसी भी शेप का डाल सकते हैं। इस तरह से शेपिंग आपको कर देनी है। ठीक है, अब इसको चाहे जिस जैसा शेप देना चाहें इसमें वो दे सकते हैं आप, अब वो जिस तरह से आप चाहें। देखिए, हमने ये दे दिया, ऊपर का पार्ट हमारा इतना कम्प्लीट हो चुका है ऊपर का पार्ट। अब हम नीचे का पार्ट कम्प्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक ये डब्लू सी का बना देंगे छोटा सा। बनाने के बाद फिर हम एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, जो कि इस लाइन से इस लाइन में एक इसमें जाके हमारा क्या अटैच होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा अटैच हो गया। अब इसको जो है हमें थोड़ा सा और नीचे लाना है इस शेप में। ओके, इसको ऊपर लेके ये नीचे कर देना है। ठीक, इस तरह से हमारा ये बन गया। ये बनाने के बाद हमें कि यहाँ पर एक लाइनिंग ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारा इतना ड्रॉ हो जाने के बाद अब हमें जो ये चीज़ें हमें यहाँ से ड्रॉ करनी है। यहाँ से नीचे आएगा, इधर जाएगा, यहाँ फिर हम इसको नीचे के शेप में ले जाएंगे। देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे ये। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने पॉइंट लिया था इधर, ये जो पॉइंट अभी यहाँ से हमें एक ड्रॉ करना है, इस वाले पॉइंट से एक लाइन हम इधर लेंगे और एक इधर लेंगे। ये हमारा तो कम्प्लीट हो जाने का, इसको हमें स्ट्रेट लाइन नीचे लेंगे, थोड़ा सा बैंड कर देना है। ठीक है, यहाँ से ये ले जाके यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से नीचे अंदर की और इस शेप का बना देना है आप लोगों को। बनाने एक पॉइंट जो यहाँ हमने जो पॉइंट था, इस पॉइंट को इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करके इसको नीचे लेके आएंगे इस पॉइंट में ज्वाइंट। जैसे कि हमारे बीच का, ये हमारा बीच का पार्ट है जो ये कंप्लीट हो गया। बनाने का पे हमें यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो एक पॉइंट ये लेंगे। ठीक है, दो पॉइंट यहाँ लेंगे। ये पॉइंट लेने के बाद एक पॉइंट ये था हमारा और एक पॉइंट हमें ये इस वाले पार्ट को, ये दोस्तों इस वाले पॉइंट से हम ये लेके यहाँ सी एम बैंड कर देंगे। इस तरह से बैंड करने के बाद आपको यहाँ पे एक डब्लू के शेप का लेना है। इस तरह से ये जाएगा और पे यहीं से आपको एक और लेके आना है। इस वाले पार्ट को आप इसमें ज्वाइंट कर देंगे। ठीक, कोई एक बाहर से पॉइंट एक और लेके आना है। ये जो है हमारा इस शेप का जाएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी इसमें हम अटैच कर देंगे।
देख सकते कि हमारा ये आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा अब जो अंदर का पार्ट है, इसके अंदर से हमें एक ये लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये जो लाइन था, हमें इस लाइन को इसमें अटैच करेंगे और इस लाइन जो है, इस लाइन से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमें एक ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए हमारे बन के तैयार हो गया। और अब जो अंदर, इसी तरह से अब नीचे भी बना देना है आपको, कि इसको भी आप किसी भी शेप का बना सकते हैं जैसे आप चाहें। ओके, इस शेप का बना दीजिए। आपको देखिए बस इसको आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं इसको, और ये बहुत ही बनाना आसान है। आप इस बस इसको घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से ये आ जाएगा। घर पे प्रैक्टिस करते 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, बहुत ही ये ट्रिक बेस्ट है। अब चलिए आगे चलते, इसको लेबरिंग करते हैं, ठीक है। और पेपर का मार्क्स चाहिए था, उसको लेबरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें जो एरो बनाना पड़ता है, एरो पर बना देते हैं कि आप ये जो एरो बनता है, ठीक है, इसका ब्लैक से कर दीजिए, ब्लैक कलर हो चाहे पेंसिल से इस तरह कर दीजिएगा। और ये जो हमारा ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक है, एक पॉइंट जो हमारा यहाँ बनेगा, ठीक, और एक यहाँ बनेगा, छोटा सी बना दीजिए, बना दीजिएगा, ज़्यादा वो इतना नहीं किया जाता कि बनाना पड़े। देखिए हमारे बन के तैयार हो चुका है, लेबरिंग हम कर देते हैं, ठीक। इस पार्ट को मैं एक इस पार्ट को करना है, ठीक है। और ये जो पार्ट है बीच का, इसे भी हमें लेबरिंग करना है। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी विंड कहते हैं, पल्मोनरी विंड, ठीक है, फॉर्म बॉडी, ठीक है। और इसको जो हम कहते हैं क्या, ओटा, इसको ओटा टू बॉडी, आप बस इसको ओटा ही लिख सकते हैं, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको जो हम क्या कहते हैं, लंग्स कैपिलरीज, लंग्स, ठीक, कैपिलरीज, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी फॉर्म बॉडी, इसको क्या कहते हैं, वेना कावा फॉर्म बॉडी, वेना कावा फॉर्म बॉडी। और इस पार्ट को हम कहते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज इन बॉडी, इन बॉडी ऑर्गेन, ठीक है। और ये जो पार्ट है हमारा, पार्ट ऑफ लंग्स का है, बॉडी ऑर्गेन पार्ट फ्रॉम लंग्स, ठीक है। ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। और इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, DOUBLE, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया तैयार। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या हेल्प मिल गई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।